तो आज स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमिनेशन। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है कि ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वरना जब ग्राफ समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला वर्ड है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, डिमांड का मतलब होता है कोई भी चीज का डिजायर रखना और उसको खरीदने के लिए हमारे पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। बट यहाँ वो डिमांड का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है, पहली बात ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसलिए यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को लेकर बात नहीं हो रहा है, यहाँ पूरे कंट्री के लोगों का बात हो रहा है, इसलिए कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, दैट इज टोटल डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड का मतलब क्या है, देखो पहले कुछ टर्म्स है। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हम लोगों का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो हम लोग अपना घर के लिए खर्च करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है हम लोग बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये है हम लोगों का बेसिकली कैपिटल स्टॉक, जो भी चीज हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों को अगर माइनस कर दें, मतलब अगर 100 का एक्सपोर्ट करते हैं और 60 का इंपोर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग 40 का एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए नेट एक्सपोर्ट, नेट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये टर्म्स का मतलब ये है। अब एडी का मतलब क्या है, एडी का मतलब है इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ऐसे सिर्फ डिमांड का मतलब होता है सिर्फ मेरा डिमांड, सिर्फ तुम्हारा डिमांड, सिर्फ इसका डिमांड, एक एक जन का डिमांड। हम लोग डिमांड किस चीज का करते हैं, कोई भी गुड्स का या फिर सर्विस का, कोई भी चीज का हम लोग डिमांड करेंगे। पर अगर पूरा कंट्री मिलकर जो डिमांड करेगा, पूरा इकोनॉमी जो डिमांड करेगा गुड्स और सर्विस के लिए, उसको बोलेंगे टोटल डिमांड, और वही है एग्रीगेट डिमांड। तो बेसिकली पूरा कंट्री का डिमांड अगर हो गुड्स और सर्विस को लेकर, तो हम लोग बोलेंगे वो एग्रीगेट डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यहाँ सी है ये, आई है ये, जी है ये, और इसको हम लोग कहते हैं एक्स माइनस एम। तो ये चारों चीज, इसको एक कहते हैं, तो इसका चार कंपोनेंट है, फोर कंपोनेंट है इसका। कंपोनेंट्स मतलब चार चीज मिलकर एडी बनता है। हम लोग गुड्स का डिमांड क्यों करते हैं, क्यों ये चार इसका कंपोनेंट है, हम लोग गुड्स का डिमांड क्यों करते हैं, या तो कंज्यूम करने के लिए, मतलब या तो यूज कर लेंगे, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट को उसका कुछ काम होगा, या फिर हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, इसीलिए हम लोग को गुड्स चाहिए। गुड्स लेकर हम लोग क्या करेंगे, यही चार चीज में कुछ करेंगे, तो इसलिए ये चारों को मिलाकर हम लोग कहते हैं एडी, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा इन चारों को ऐड करके। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि एडी का कंपोनेंट्स क्या है, तो हम लोग ये लिखते हैं। पर अगर ये तो अगर नॉर्मली ये कंपोनेंट है, पर अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ये इसका अगर बात करें, तो हम लोगों का टू सेक्टर इकोनॉमी है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ हम लोग या तो कंज्यूम करते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी,
और थ्री सेक्टर इकोनॉमी का एडी। टू सेक्टर इकोनॉमी है मतलब मानते हैं सिर्फ हाउस होल्ड होगा और प्रोड्यूसर होगा। जो हम लोग नेशनल इनकम में भी पढ़कर आए हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ कौन होता है? फर्म होता है और हाउस होल्ड होता है, और कोई नहीं होता है। गवर्नमेंट ये सबको अज्यूम करते हैं, मान लो नहीं है, तो सेम वही केस है, पर वहां पे हम लोग फर्म और हाउस होल्ड बोलते हैं, यहाँ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करता है फर्म। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो ही है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर दो पार्ट होता है, एक ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग मानते हैं कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट भी है, मतलब गवर्नमेंट का भी रोल है, पर क्लोज्ड है इसलिए इंडिया के अंदर ही है। पर ओपन इकोनॉमी का एडी कैसा होगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है क्योंकि ओपन इकोनॉमी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पर ये जो चैप्टर है इसमें जो इनिशियली पढ़ रहे हैं वो हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा है कि कंपोनेंट अगर सिर्फ क्वेश्चन में दे देता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तब पूरा लिखेंगे, पर अगर कुछ मेंशन कर देता है कि सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी का ही कंपोनेंट बोलो, तो सिर्फ सी प्लस आई बोलेंगे। ओपन का बोलेगा तो पूरा बोल देंगे, क्लोज्ड का बोलेगा तो इतना बोलेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, पर अगर सिर्फ बोलेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी और कुछ मेंशन नहीं करेगा तो पूरा लिख देंगे। उसके बाद ये सिर्फ सी प्लस आई है। तो अब बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई है हम लोगों का, कह सकते हैं आउटपुट, कितना आउटपुट हम लोगों का प्रोड्यूसर कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से है, ये हम लोगों के व्यू पॉइंट से था एडी, कि हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों के व्यू पॉइंट से था। पर ये एएस का व्यू पॉइंट है प्रोड्यूसर, वो कितना प्रोड्यूस करता है। तो एएस का मतलब है आउटपुट। इसका और एक मतलब है, इसका मतलब ये है लॉजिकली हम बता रहे हैं, सुनो, प्रोड्यूसर अगर देखो, एएस का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ये भी इसका मतलब होता है। क्यों? हम जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते होंगे उसको हम सेल करते होंगे। प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से सोचना, अभी हम लोग प्रोड्यूसर बनकर सोच रहे हैं कि हम लोग जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतना अगर सेल हो जाएगा तो हम लोगों का इनकम जनरेशन होगा, हम लोगों को इनकम होगा। इनकम जब किसी इंसान को होता है तो वो उस इनकम से दो चीज करता है, या तो उसको खर्च कर देता है या तो उसको सेव करता है। दो ही चीज कर सकते हैं हम लोग इनकम का। इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से। वाई से क्यों? क्योंकि आई तो इन्वेस्टमेंट ले लेता है, तो अगर इसको भी आई से मतलब डिनोट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको वाई से करते हैं। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है फिर वाई ही क्यों? क्योंकि वाई रहता है इल्ड के लिए, इल्ड का मतलब भी होता है इनकम, इसलिए इस इनकम को हम लोग वाई बुलाते हैं, क्योंकि इल्ड मतलब कितना मिल रहा है इज इनकम, ये वाई वहां से आया है, इसलिए इनकम को वाई कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब अगर मेरा इनकम 100 रुपीज है तो हम उससे 40 खर्च कर देते होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर देते होंगे, और 60 रुपीज हम लोग सेव कर लेते होंगे। तो इसलिए y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग आउटपुट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो आउटपुट है, जितना बनाएंगे उतना ही इनकम आएगा। बनाए होंगे 100 रुपए का, तभी आउटपुट हम लोग 100 रुपए का बनाए होंगे, तभी इसको बेच के हमारे पास 100 आया है, और ये इसी 100 को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये इनकम ही मेरा आउटपुट है और ये आउटपुट ही मेरा एएस है।
तो एग्रीगेट सप्लाई को आउटपुट के लॉजिक से भी यूज कर सकते हैं, इनकम की तरह भी यूज कर सकते हैं। एएस को सी प्लस एस बी, एएस इक्वल टू सी प्लस एस बी लिख सकते हैं, एनीथिंग। तो किसी भी आंसर में कुछ भी मिलेगा। अब हम लोग जा रहे हैं इसका डेफिनेशन में। एएस इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि अभी हम बोले एएस क्या है, मनी वैल्यू है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू है, मतलब इनकम है। अवेलेबल फॉर परचेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इतना ही इकोनॉमी में परचेज हो सकता है, मतलब इतना ही हम सेल कर सकते हैं, जितना आउटपुट हम बनाएंगे उतना ही हम सेल कर पाएंगे। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ये फ्लो है, इतना ही हम बनाए, पब्लिक खरीदा, फिर मेरे को पैसा दिया, फिर हम बनाए, फिर वो लोग खरीदा, फिर मेरे को पैसा दिया, हम फिर उससे बनाए, और फिर ये, तो ये चलता जा रहा है, इसलिए फ्लो ऑफ गुड्स है। एएस इज सेम एज नेशनल इनकम। अब यहाँ पे एएस इनकम है, पर यहाँ किसी एक आदमी के इनकम का बात तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे पूरे कंट्री के इनकम का बात हो रहा है, पूरे कंट्री के इनकम को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, तो एएस को हम लोग नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन में नेशनल इनकम बोलकर क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे दिमाग में आना चाहिए एएस बोल रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में नेशनल इनकम अगर बोल रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बोल रहा है, हम हर एंगल से लिखवा दिए हैं। एएस का मतलब है सी प्लस एस, एएस ही है वाई, सी का मतलब है कंजम्पशन, एस का मतलब है सेविंग, और वाई का मतलब है इनकम। अब ये सारे टर्म के बाद आते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? कंजम्पशन इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी ब्रैकेट में एफ, कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पे इसका मतलब होता क्या है? देखो, कंजम्पशन मेरा डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, कंजम्पशन डिपेंड करता है मेरा इनकम के ऊपर, ये सबको पता है। अगर आज किसी का इनकम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। हम अगर 15,000 कमाते थे तो उसमें से 10,000 खर्च करते थे, 5,000 सेव कर लेते थे। आज अगर हम 20,000 रुपया कमाएंगे तो थोड़ा मेरा खर्चा तो बढ़ेगा ही, तो सोचो मेरा खर्च हो जाएगा 12,000 और हम सेव करने लगेंगे 8,000, फिर मेरा इनकम बढ़ा 30,000 रुपया, तो मेरा खर्चा होने लगेगा 23,000 और हम सेव करने लगेंगे 7,000। मतलब एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो ये ऐसे क्यों लिखते हैं? ये ऐसे इसलिए लिखते हैं कि सी इक्वल टू एफ वाई, मतलब सी डिपेंड करता है मेरा वाई के फंक्शन के ऊपर। अगर मेरा वाई इंक्रीज होगा तो मेरा सी भी इंक्रीज होगा। तो जो कंजम्पशन के ऊपर इनकम डिपेंड नहीं करता है, इनकम के ऊपर कंजम्पशन डिपेंड करता है, इसलिए फंक्शन ऑफ इनकम। ये एफ के साथ वाई क्यों लिखते हैं, सी क्यों नहीं लिखते हैं? मतलब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऐसे क्यों नहीं लिखते। इसका मतलब ये होगा कि सी बढ़ता है तो मेरा वाई बढ़ता है, मतलब मेरा कंजम्पशन बढ़ता है तो मेरा इनकम बढ़ता है, बट ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो ये मेरा राइट फॉर्म है, व्हेन माय इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। तो वही हम पूरा लिखे हैं, सी है कंजम्पशन, एफ है फंक्शनल रिलेशनशिप, और वाई है यहाँ पे इनकम। इक्वेशन क्या है कंजम्पशन फंक्शन का, ये ध्यान से समझो। सी इक्वल टू सी प्लस एमपी सी इनटू वाई, ये अभी एग्जैक्टली मत समझो ये वाला चीज, ये जब एमपीसी ये सब समझेंगे तब समझ में आएगा, अभी के लिए रखो। अब आते हैं सी बार में। सी बार का मतलब क्या है? देखो, दो कंजम्पशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक कंजम्पशन, एक कंजम्पशन बार। ये मेरा क्या है? ये है मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो समझते हैं, पर ऑटोनॉमस नहीं पता। ऑटोनॉमस का मतलब होता है फिक्स्ड,
या मिनिमम। अब इसका क्या मतलब, देखो अगर मेरा सोचो कोई जॉब था, लॉजिकली जाते हैं, अगर मेरा इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, अगर मेरा इनकम 100 था तो मेरा कंजम्पशन 40 था, सेविंग 60 था, ठीक है। हम क्लियरली एक्सप्लेन किए व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब अगर मेरा इनकम 110 होता है तो ये मेरा 42 हो जाएगा, तो ये भी मेरा कुछ आ जाएगा, पता नहीं। बट एक चीज है, अगर मेरा सोचो जॉब चला गया, अच्छा सेविंग निकाल लेते हैं, 110 माइनस 42 तो मेरा 68 सेविंग्स है, ठीक है। अब अगर सोचो मेरा जॉब चला जाता है, अब मेरा कोई जॉब नहीं है, हम जॉबलेस है, तो भी लॉजिक लगाओ, हम कुछ तो कंज्यूम करेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है जॉब चला गया, मेरा इनकम अगर जीरो हो गया है तो मेरा कंजम्पशन तो जीरो नहीं हो जाएगा। सेविंग देखो, व्हेन इनकम इज जीरो हम कुछ तो खाएंगे, सर्वाइवल के लिए खाना तो खाएंगे, वो तो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सोचो मिनिमम हमको 10 रुपया खर्च करना ही है, मतलब हमको खाना तो खाना ही होगा, मेरा जॉब चला गया है फिर भी। तो ये जो हम जीरो इनकम पे भी कंज्यूम कर रहे हैं तो कहां से कर रहे होंगे, बैंक में जो सेविंग रखे होंगे उससे निकाल के खा रहे होंगे, तो मेरा सेविंग क्या होगा, -10 हो जाएगा। मतलब अगर मेरा इनकम है ही नहीं फिर भी हम जो खाना खा रहे हैं वो हम कहाँ से खा रहे होंगे, बैंक से पैसा निकाल के। अब अगर हम बैंक से पैसा निकाल के खा रहे होंगे तो बैंक में मेरा 10 रुपया कम जाएगा और कंजम्पशन फिर हम कर रहे होंगे, तो ये मेरा मिनिमम सेविंग मिनिमम कंजम्पशन है जो हमको करना ही पड़ेगा। If my income is zero, still I have to spend something on my consumption. So this is autonomous consumption. जो हमको करना ही पड़ेगा, मेरा इनकम जीरो है फिर भी मेरे को करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम जो भी खर्च करते हैं वो तब करते हैं क्योंकि मेरा इनकम है, उसको कहते हैं कंजम्पशन। तो इस 40 में 30 मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पर 10 मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जो मिनिमम करते ही, अगर मेरा इनकम जीरो होगा फिर भी हम 10 तो खर्च करेंगे, 30 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मेरा इनकम है। अब ये क्या है, ये माइनस में अगर चल, देखो सेविंग करते हैं तब हम लोग उसको सेविंग कहते हैं, अगर हम लोग सेविंग निकाल ले रहे हैं बैंक से तो इसको डिस सेविंग कहते हैं, सेविंग नेगेटिव सेविंग ये सब नहीं कहते हम लोग उसको, डिस सेविंग कहते हैं। नेगेटिव सेविंग भी वर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड नहीं है, बट टेक्निकल हम लोग को कुछ बुक्स में डिस सेविंग भी मिलेगा। डिस सेविंग का मतलब है सेविंग का उल्टा, सेविंग निकल जा रहा है। तो यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन में छोड़ो, ये हम लोग बाद में आके समझेंगे, सिर्फ ये याद रखो सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, हम समझा चुके हैं, डेफिनेशन देखो, इट डज नॉट चेंज और अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम। मेरा इनकम चेंज कितना भी हो जाए ये चेंज नहीं होता है, ये तो मिनिमम है, मेरा रहेगा ही, तो ये हम कुछ भी कर ले ये मेरा रहेगा, इट डज नॉट चेंज। तो ये मेरा ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये जो कंजम्पशन फंक्शन में हम बोले हैं कि सी डिपेंड करता है वाई के ऊपर, ये सी डिपेंड करता है सी बार नहीं, सी बार वाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वाई मेरा कितना भी रहे, 100 रुपया हो जाए, 0 हो जाए या 1000 हो जाए, मेरा बेसिक कंजम्पशन, मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो 10 रुपया ही होगा। तो सी बार डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, सी डिपेंड्स ऑन इनकम, इसलिए यहाँ पे हम सी बार नहीं दे सकते। इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये एक मिनिमम लेवल का कंजम्पशन है, इवन व्हेन इनकम इज जीरो, अगर इनकम मेरा जीरो है फिर भी ये कंजम्पशन होगा। इट इज इनकम इनइलास्टिक, इनकम इनइलास्टिक मतलब इनकम मेरा मतलब कुछ भी हो कंजम्पशन विल नॉट चेंज। डिमांड इन इलास्टिक किसको कहते थे, प्राइस इन इलास्टिक किसको कहते थे, कि प्राइस मेरा कितना भी चेंज हो जाए डिमांड चेंज नहीं होता।
इनकम इन इलास्टिक यहाँ पे क्या हुआ, इनकम मेरा कितना भी चेंज हो जाए कंजम्पशन विल नॉट चेंज, इट इज डिनोटेड बाय सी बार. अब हम लोग का टर्म है इंड्यूस्ड कंजम्पशन. इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज दिस कंजम्पशन. जो इतने देर से हम लोग कंजम्पशन का बात कर रहे हैं कि दो तरीके का कंजम्पशन होता है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है. बट इंड्यूस्ड अगर नहीं भी बोलते हैं तो इसको सिर्फ हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. और अगर कोई पूछे इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है, तो यही है ये वाला जो हम लोग नॉर्मल कंजम्पशन, जो फिक्स्ड नहीं है, जो इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, वो वाला कंजम्पशन इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन. तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द एक्सपेंडिचर विच इज अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम. ये एक्सपेंडिचर अफेक्टेड होता है इनकम के चेंज होने से. जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, इनकम चेंज होगा तो कंजम्पशन भी चेंज होगा, ये कंजम्पशन इंड्यूस्ड कंजम्पशन है. इट इज इंडिकेटेड बाई एमपीसी इन टू वाई. ये सब इंडिकेट क्यों कर रहे हैं, ये एमपीसी सम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी रुक जाओ. इट इज द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन दैट वेरीज विथ डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम हम लोग नेशनल इनकम में पढ़कर आए हैं. डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम को कहते हैं जहां पे जो इनकम से हम लोग टैक्स दे चुके हैं, जो अल्टीमेटली हम लोग का इनकम है. सोचो मेरे को इनकम हुआ है इस बार 150 रुपया, पर इस इनकम से अभी तक टैक्स नहीं दिए, तो ये क्या है, सिर्फ इनकम. इससे हम लोग टैक्स भी दे दिए, तो अब जो बचा ये 100 रुपया, ये है डिस्पोजेबल इनकम. ये हम पूरा घर लाएंगे, जो रुपया हम पूरा घर लेकर आएंगे, जिसे सबको दे दिए हैं, ये सिर्फ मेरा रुपया है, इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम. तो बोल रहा है कि ये जो कंजम्पशन है, जब डिस्पोजेबल इनकम मेरा चेंज होता है तो ये कंजम्पशन भी मेरा चेंज होता है. अब हम लोग आ जाते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इट इज अ शेड्यूल दैट शोज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. तो मेन बात क्या है, कंजम्पशन फंक्शन बोले या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोले, मीनिंग एक ही है. तो यहां अभी जो समझे वही मतलब है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का. तो हम दोबारा पूरा फुल डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, अगर मन करे तो ये डेफिनेशन लिखो जो दूसरा वाला हम दिए हैं, अगर ठीक नहीं लगता है तो कंजम्पशन फंक्शन का ही डेफिनेशन लिख दो और उसमें इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. अगर दूसरा डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है, मतलब ये हम लोगों का एक दूसरा डेफिनेशन है, अगर ये डेफिनेशन याद नहीं है तो नॉर्मली यही वाला डेफिनेशन लिख दो, पर यहाँ लिख देना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन. यहाँ प्रोपेंसिटी टू सेव से शुरू, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से शुरू करेंगे कंजम्पशन फंक्शन में, और पूरा यही लिख देना चलेगा, ठीक है. पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये बात अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा है तभी लिखना. अगर हम लोग ये डेफिनेशन लिख रहे हैं तो, अगर टाइप्स लिख रहे हैं तब, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा है, कंजम्पशन फंक्शन पूछे तो टाइप्स मत लिखना कभी भी. तो अब ये दो तरीके का होता है, मतलब कंजम्पशन फंक्शन दो तरीके का होता है. अगर सीधा बात करें तो क्या होगा, कंजम्पशन फंक्शन दो तरीके का होता है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, देखो हम लोग जो ये बोलते हैं कि मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, ये रिलेशनशिप दिखाता है एपीसी. कैसे, अगर मेरा कितना टाइप हो सकता है एपीसी का, अगर मेरा इनकम जीरो है तो भी मेरा कुछ कंजम्पशन तो होगा, से 10 रुपया था हम लोगों का. इफ इनकम इज जीरो, देयर मस्ट बी एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो क्या होगा, ये मेरा,
ये प्रूफ है कि एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता. एपीसी कैन नॉट बी जीरो इफ इनकम इज जीरो, देन ऑल्सो एपीसी कैन नॉट बी जीरो क्योंकि कंजम्पशन तो होगा. टेन बाई समथिंग कैन नेवर बी जीरो. ठीक है, इसके बाद दूसरा केस है, एक एक करके हम सारा केस लिखवाएं. इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. ये एक रेशियो है, सी टू वाई बोलो या सी बाई वाई बोलो, तो ये रेशियो है. इसमें जस्ट इतना ही लिखना है. इसका फीचर कैसा है, प्रॉपर्टी कैसा है, एपीसी इज मोर देन वन. एपीसी वन से ज्यादा हो सकता है. कैसे एपीसी वन से ज्यादा कैसे हो सकता है? एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज ग्रेटर देन वन. कैसे? अगर मेरा इनकम है 100 रुपया और हम खर्च कर देते हैं 110, तो हो सकता है 1.1. पर कोई पूछेगा कैसे आप खर्च कर दिए जब आपका इनकम ही 100 रुपया है, तो आप 110 कैसे खर्च किए? हम बोलेंगे सेविंग से निकाल के कर दिए. बहुत जन ऐसा करता है कि मेरा सोचो इस महीने का इनकम है 100 रुपया, पर मेरे को एक सामान पसंद आ गया है जिसका प्राइस है 110, तो हम इस महीने का पूरा इनकम तो लगा ही दिए, 10 रुपया और बैंक से निकाल लिए और 110 रुपए में जाके वो सामान खरीद लिए. तो ऐसा हो सकता है कि कंजम्पशन मेरा इनकम से ज्यादा है, तो मेरा एपीसी ज्यादा हो जाएगा. तो एपीसी इज मोर देन वन व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. तो वही बात हम लिखे हैं, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम. अगर कंजम्पशन मेरा नेशनल इनकम से ज्यादा हो बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जब इक्वल रहता है, तो एपीसी इज ग्रेटर देन वन. अब बोल रहा है एपीसी इज इक्वल टू वन, ये भी क्लियर है. अगर हम 100 रुपया ही कमाते हैं और 100 रुपया ही खर्च कर देते हैं, तो मेरा एपीसी कितना आ जाएगा, वन. तो एपीसी मोर देन वन भी हो सकता है, एपीसी मेरा इक्वल टू वन भी हो सकता है. दूसरा बोल रहा है एपीसी इज लेस देन वन. लेस देन वन मतलब मेरा इनकम है 100 रुपया, हम खर्च करते हैं 40 रुपीज, तो मेरा एपीसी कितना आएगा, 0.40. तो एपीसी लेस देन वन भी हो सकता है. फोर्थ पॉइंट है एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम. एपीसी फॉल होता है अगर मेरा इनकम बढ़े. जैसे कि अगर मेरा ये है, ठीक है, अगर हम एपीसी, अगर हम अपना कंजम्पशन कांस्टेंट रखें और इनकम अपना 150 कर दें, तो मेरा एपीसी क्या होगा, 40 by 150 मतलब 0.27. तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस. तो ये हो सकता है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो मेरा एपीसी फॉल हो जाएगा. ठीक है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है. और लास्ट पॉइंट हम लिखे हैं एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर मेरा नेशनल इनकम जीरो भी है तो वहां पे कुछ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरा होगा जिसको ऑटोनॉमस बोलेंगे. अब आगे बढ़ रहे हैं एमपीसी क्या होता है. बहुत बार ये वर्ड सुने हैं पर एमपीसी क्या होता है. एमपीसी होता है हम लोगों का चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम. एम का मतलब मार्जिनल, का मतलब ही हम लोग डे वन से पढ़ रहे हैं चेंज. मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है चेंज. मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, सभी कुछ में चेंज. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंजम्पशन फंक्शन में क्या चेंज आया है. कंजम्पशन फंक्शन है सी बाई वाई, इसमें क्या चेंज आ रहा है. तो अगर हम बोले कि पहले मेरा इनकम 100 रुपया था तो हम 40 कंज्यूम करते थे, खर्च कर देते थे. तो अब मेरा इनकम अगर 150 है तो हम 50 रुपया खर्च करते हैं. तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 10. मेरा चेंज इन इनकम कितना है, 50. तो 10 बाई 50 कितना हुआ, तो मेरा ये आया 0.2. ठीक है, तो मेरा एमपीसी क्या आया, 0.2.
तो क्लियर है, डेफिनेशन में सिर्फ यही लिखना है कि इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, बस एमपीसी का फॉर्मूला लिख देना है, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम इक्वल टू डेल सी बाय डेल वाई। अब इसका फीचर पूछ रहा है कि एमपीसी कैसा हो सकता है, तो वैल्यू ऑफ एमपीसी वैरीज बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 से 1 तक ही वैरी करता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, एमपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन डेल सी इज इक्वल टू डेल वाई, मतलब अगर सोचो हम मेरा जब 100 इनकम था तो हम 40 खर्च करते थे, आज जब मेरा 150 इनकम हो गया है तो हम पूरा ही इनकम को मतलब यहाँ पे जो दे रहा है कि एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, एडिशनल इनकम मेरा कितना था 50, तो हम इसको क्या किए 50 से ही बढ़ा दिए, मतलब 90 खाते हैं, मतलब पहले मेरा जब मेरा 100 इनकम था तो 40 हम खर्च करते थे, जब मेरा 150 हो गया तो हम 40 तो वैसे भी खर्च करते थे, और ये जो 50 एक्स्ट्रा बढ़ा ये हम पूरा ही 50 बढ़ा दिए, ठीक है, मतलब मेरा इनकम जितने से बढ़ा हम एग्जैक्टली खर्च अपना उतने से ही बढ़ा दिए, 50 से बढ़ा 50 से ये भी बढ़ा दिया एंटायर एडिशनल इनकम, तो अब मेरा चेंज कितना आएगा, इसमें भी 50 इसमें भी 50, तो मेरा ये कितना आ जाएगा एग्जैक्टली 1। तो ये समझना है कि इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर हम पूरा एंटायर एडिशनल इनकम अपना कंज्यूम कर जाते हैं तो डेल सी डेल वाई के इक्वल हो जाएगा, जहां एमपीसी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव देन डेल सी इज 0 मेकिंग एमपीसी 0, अगर हम पूरा एडिशनल इनकम अपना सेव कर ले, मतलब अगर हम ये पूरा ही 50 को सेव कर ले, एडिशनल इनकम मेरा क्या है 50 और ये हम पूरा ही 50 सेव कर ले, तो मेरा यहाँ कंजम्पशन क्या होगा 40 होगा, अगर ये मेरा 40 होगा तो चेंज इन कंजम्पशन तो है ही नहीं, चेंज इन कंजम्पशन अगर नहीं है तो मेरा क्या आएगा 0 बाई 50 0 बाई 50 इज 0, एनीथिंग 0 से कुछ भी डिवाइड कर देंगे तो 0, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये 0 हो जाएगा। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व एंड रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में एमपीसी हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, एमपीसी कॉन्स्टेंट रहता है इसका क्या मतलब, एमपीसी चेंज नहीं होगा, शॉर्ट रन का मतलब है एक साल के अंदर किसी का इनकम नहीं बढ़ता है, किसी का भी ऑफिस में इनकम इंक्रीमेंट होता है तो आफ्टर 1 ईयर ही होता है नॉर्मली, अब इसमें एक्सेप्शन केस नहीं डालना है कि एक जन था जिसका 3 महीने में सैलरी बढ़ गया था, एक जन था जिसका 6 महीना में सैलरी बढ़ गया था, हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स में हम लोग रैशनली बात करते हैं, एक्सेप्शन लेकर बात नहीं करते हैं, तो नॉर्मली किसी का भी सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होता है, इनकम इंक्रीमेंट कैसे होता है, एक साल में एक बार, तो यहाँ शॉर्ट रन का बात हो रहा है, शॉर्ट रन में एमपीसी कॉन्स्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ेगा नहीं, अगर मेरा इनकम नहीं बढ़ेगा तो मेरा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कैसे हम ये बात बोल रहे हैं, हम लोग कंजम्पशन फंक्शन में अभी पढ़कर आए हैं, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, ये नहीं बोलना है कि मेरा इनकम नहीं बढ़ा था तब भी हम ज्यादा ज्यादा कंज्यूम किए जा रहे थे सेविंग से, अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, कंजम्पशन फंक्शन को फॉलो करना है, यहाँ कंजम्पशन कर्व का बात हो रहा है, तो पूरा थ्योरी में कंजम्पशन फंक्शन को फॉलो करना है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, जब इनकम नहीं बढ़ रहा है तो मेरा फिर कंजम्पशन भी नहीं बढ़ रहा है, जितना था उतना ही है, तो अगर ये कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है तो एमपीसी डेफिनेटली कॉन्स्टेंट रह जाएगा क्योंकि कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए शॉर्ट रन लिख दिया गया है, अगर कोई शॉर्ट रन नहीं लिखता है तो 0 देता है, अगर पूछा जाता है कि सिर्फ शॉर्ट रन नहीं लिखे थे पूरा यहां तक हम लिखे थे फिर भी वो काट दिया, क्योंकि हम लोग ये नहीं बताए हैं कि शॉर्ट रन में कॉन्स्टेंट रहेगा, लॉन्ग रन में तो वो बढ़ेगा ही, एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी, कैसे, देखो एक फिगर लेते हैं, इसका ही बात करो,
यहाँ पे एपीसी कितना होगा? एपीसी का क्या फॉर्मूला था? सी बाई वाई। तो यहाँ पे सी कितना है? 50, और अपना इनकम कितना है? 150। तो 50/150 इज 0.33, और हम लोग का ये कितना आया था? 10/50, 0.2। तो एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। जब एपीसी सॉल्व किए तो 0.33 आया, जब एमपीसी सॉल्व किए थे तो 0.2 आया था। तो ये प्रूफ करता है कि एमपीसी हमेशा एपीसी एमपीसी से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो कंजम्पशन फंक्शन ओवर होता है जिसमें हम लोग का है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये पूरा पोर्शन ओवर। अब हम लोग घुसते हैं सेविंग फंक्शन में। सेविंग फंक्शन क्या है? देखो, सेम एज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में इनकम और सी का रिलेशन था, इसमें इनकम और सेविंग का रिलेशनशिप है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेस। देखो, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सिर्फ इनकम वर्ड क्यों नहीं लिखते हैं जनरली? क्योंकि इनकम मतलब एक आदमी का इनकम, नेशनल इनकम मतलब यहाँ तो कंट्री के इनकम का बात कर रहे हैं। और सेम एस इक्वल टू एफ वाई, वाई चेंज होगा तो एस भी चेंज होगा, इसलिए वाई फंक्शनल है और एस अकेला है। फिर हम इसका फुल फॉर्म लिख दिए हैं सिंपली, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन एस इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, ये छोड़ दो। एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब कोई पूछे प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, तो सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम है, तो सेविंग फंक्शन का ही दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेम डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, पर इसमें टाइप्स को भी घुसाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे है? इट इज अ शेड्यूल दैट शोज सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग फंक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? एस बाई वाई। तो सेम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है एस प्लस वाई। इट मीन्स अगर मेरा इनकम सेम इसमें आ जाते हैं, हम यहां लिख देते हैं, ये मेरा इनकम है, ये मेरा सेविंग्स है, ठीक है, ये मेरा कंजम्पशन है। तो अगर मेरा इनकम था 100 और हम खर्च कर रहे थे 40, तो हम सेव कर रहे होंगे 60। जब मेरा इनकम हो गया 150, तो हम कंज्यूम कर रहे थे 90, तो हम सेव कर रहे होंगे 60, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं एपीएस। अगर मेरा सेविंग्स है 60 और मेरा इनकम है 150, तो मेरा कितना आएगा एपीएस? 60/150, 0.4। मतलब एपीएस लेस देन 1 होता है। अब अगर ऐसा आया कि हम अपना कंजम्पशन को इंक्रीज ही नहीं किए, जब मेरा इनकम 150 था, मेरा कंजम्पशन 40 था, तो मेरा सेविंग कितना हो गया होगा? 110, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा? 110/150 इक्वल टू 0.73। ये भी बता रहा है एपीएस इज लेस देन 1, ठीक है। एपीएस 0 हो सकता है कैसे? अगर हम 150 अर्न किए और 150 कंज्यूम कर गए, तो मेरा जीरो सेविंग्स होगा। तो 0/150 इज 0, तो एपीएस कैन बी 0, ठीक है। तो ये सारा इसका प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। APS can never be 1 or more than 1. क्यों? APS कभी 1 से ज्यादा 1 क्यों नहीं हो सकता? 1 इसलिए नहीं हो सकता, लॉजिक लगाना है। अगर हम 150 अर्न करते हैं, देखो APS को 1 करने के लिए यहाँ पे 1 आना होगा। तो अगर मेरा 150 इनकम है, तो 150 सेविंग करना होगा। पर 150 सेविंग कैसे हो सकता है?
इसका मतलब कंजम्पशन जीरो है, बट अभी हम लोग पढ़कर आए कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कम से कम 10 रुपया रखे थे हम लोग ऑटोनॉमस, हम लोग का एग्जाम्पल में 10 रुपया चल रहा था, तो कम से कम तो 10 रुपया का हम खाएंगे ही, ये तो मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इतना तो हम खाएंगे। अगर मेरा इनकम है तब हम इनकम से खाएंगे, इनकम नहीं रहता है तो सेविंग से खाते हैं। तो अभी मेरा इनकम तो है, तो हम तो इनकम से 10 रुपया का ऑटोनॉमस कंजम्पशन करेंगे, तो मेरा कम से कम सेविंग्स 140 रहेगा, तो इट कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम। अगर ये इनकम के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ 150 तो कभी नहीं होगा, कम से कम 140 रहेगा। अब 140 बाई 150 करेंगे तो 1 तो कभी नहीं आएगा, ये हमेशा 1 से कम ही आएगा। 140 डिवाइडेड बाई 150 इज 0.93, सो एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन आता है मोर देन वन, मोर देन वन कैसे हो सकता है, हम जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा सेविंग कैसे करेंगे। मोर देन वन लाने का मतलब है कि यहाँ मेरा 160 आ जाए और हम 150 ही कमाते हैं, इसका मतलब हम 150 कमाते हैं, 160 सेव कर देते हैं, तो 160 बाई 150 करेंगे तो ये मोर देन वन आएगा, दैट इज 1.06। तो एपीएस कभी भी मोर देन वन भी नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। तो लॉजिकली समझो, एपीएस कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, एपीएस कभी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। तो एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन इनकम, क्योंकि सेविंग कभी इनकम के इक्वल या इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। एपीएस कैन बी जीरो, जीरो तो हो ही सकता है, वो तो हम भी बोले कैसे, एट ब्रेक इवन पॉइंट जहां कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होगा। अगर हम जितना कमाते हैं पूरा ही खर्च कर देते हैं कंज्यूम करने में, तो मेरा सेविंग होगा ही नहीं, सेविंग जीरो, तो एपीएस इज जीरो। एपीएस कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हो सकता है, जब मेरा इनकम है ही नहीं तो भी हम कुछ तो कंज्यूम करेंगे, कैसे कंज्यूम करेंगे, सेविंग से निकाल के। अगर हम सेविंग से निकाल के खर्च करेंगे तो मेरा एपीएस क्या आएगा, -10 बाई 0 इक्वल टू -10, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज, मतलब यहाँ ऐसे इन्फिनिटी है बट हम प्रूफ कर रहे हैं इसको इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट से, ये -10 है तो ये भी -10 है, और ये -10 है तो एपीएस कैन बी नेगेटिव। यहाँ पे लिखा है एट इनकम लेवल्स विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन इनकम एक्सीड्स, व्हेन कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम, जब मेरा इनकम से ज्यादा कंजम्पशन होने लगेगा, मतलब मेरा इनकम था ही नहीं या कम था। सोचो मेरा 150 इनकम था और हम 160 खर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली -10 हो रहा है, सेविंग से निकाल के ही कर रहे हैं। तो यहां ऐसा कर लो, अगर 10 बाई 150 करेंगे तो ये क्या आएगा, -0.06, तो ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस का साइन है, तो एपीएस कैन बी नेगेटिव। लास्ट है एपीएस राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम, ये तो उसके फंक्शन में ही है, इनकम बढ़ेगा तो मेरा एपीएस भी बढ़ेगा। अब आते हैं एमपीएस में, एमपीएस में हम लोग को बोल रहा है इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम। जो हमारा एमपीसी में था, एमपीसी में बोला था इनकम का चेंज और कंजम्पशन का चेंज, इसमें बोल रहा है इनकम का चेंज और सेविंग्स का चेंज, सेम बात है। अब इसमें क्या है, अब इसमें है हम लोगों का एमपीएस इक्वल टू डेल एस बाई डेल वाई। प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल है प्रॉपर्टी, अब समझना। हम लोग इसको रखते हैं, इसको रखते हैं अपने एग्जाम्पल में। अब हम लोग का बात हो रहा है अगर इनकम था पहले 150 तो सेविंग्स था पहले 60, अच्छा इसमें चेंज लाना है तो इसमें कर देते हैं 80,
तो जब हम लोग का इनकम बढ़ा, हम लोग का सेविंग्स भी बढ़ा, ठीक है। तो एमपीएस इज इक्वल टू वन, एमपीएस वन हो सकता है इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव। जैसे कि एमपीएस वन कब हो सकता है, जब पहले मेरा इनकम था 100, हम सेव करते थे 60, फिर मेरा इनकम हो गया 150। ये जो मेरा इंक्रीज हुआ 50, एंटायर इनकम, एंटायर एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम कितना है 50, ये जो एडिशनल 50 था ये हम पूरा सेव कर दे रहे हैं। तो पहले जो सेव करते थे वो तो कर ही रहे हैं, अभी जो मेरा एडिशनल इनकम आया उसको भी हम पूरा सेव कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 110। तो मेरा एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल एस बाय डेल वाई। डेल एस कितना है 50, डेल वाई कितना है 50, तो ये आएगा 1। तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 अगर हम अपना एंटायर एडिशनल इनकम सेव कर दें, हम जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो पूरा सेव कर देते हैं, तो ये लाइन सही है। फिर बोल रहे एमपीएस 0 हो सकता है, ये तो हम अभी बोले 0 कैसे हो सकता है, हम 100 था तब 60 सेव करते थे, अभी मेरा 150 हो गया तो भी हम 60 ही सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, डेल एस मेरा कुछ नहीं बाई 0 बाई 50, तो ये मेरा 0 आ जाएगा। तो इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो जो हम 50 रुपए एक्स्ट्रा कमाए थे वो सेव किए ही नहीं, पूरा ही खर्च कर दिए, पहले जितना सेव करते थे आज भी उतना ही सेव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ सेव नहीं कर रहे हैं। इन सच केस डेल एस इज 0, डेल एस तो 0 हो जाएगा, तब एमपीएस भी 0 हो जाएगा। तो एमपीएस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आगे जाते हैं, एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। स्लोप क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एमपीएस फिक्स रहता है, स्लोप है, स्लोप था कंजम्पशन कर्व का एंड इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। अच्छा ये लाइन उसमें भी ऐड कर दो, यहाँ ये देगा अलग से, एंड इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इन द शॉर्ट रन। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जो भी पीछे समझाए, अगर मेरा तो ये हम लोग कर दिए इट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इन द शॉर्ट रन, ठीक है। तो यही जो वहां पे हम समझाए कि ये हम लोगों का एमपीसी, हम लोग का कंजम्पशन कर्व का ये है, क्योंकि हम लोग का कंजम्पशन इनकम शॉर्ट रन में तो फिक्स्ड होगा, अगर हम लोग का इनकम शॉर्ट रन में फिक्स्ड होगा तो हम लोग का सेविंग भी शॉर्ट रन में फिक्स्ड ही होगा। जैसा कि हम बोले इनकम नहीं बढ़ता एक साल के अंदर, तो हम लोग का सेविंग का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होता होगा, पहले 50 सेव करते होंगे तो अभी भी 50 ही सेव करते होंगे, क्योंकि इनकम इंक्रीज नहीं होगा तो सेविंग भी इंक्रीज नहीं होगा, यही बता रहा है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन बोलता ही है कि सेविंग तभी इंक्रीज होगा जब इनकम इंक्रीज होगा, अगर इनकम इंक्रीज हो ही नहीं रहा है शॉर्ट रन में तो सेविंग भी इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए सेविंग कर्व कांस्टेंट रह जाता है, इसलिए एमपीएस इज कांस्टेंट। अब बोल रहा है एपीसी और एपीएस का क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएससी में 2019 में आया, 2016 में आया है, और बीकॉम में भी बहुत बार इससे हम लोगों को बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, इन लोगों को 3 मार्क्स का आया है, बट बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप तो देखो, सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1, कैसे हम बोलते हैं एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। कोई बोलेगा कैसे, मतलब कैसे ये 1 हो गया, तो इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर वी नो एपीसी इज प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। दूसरा बात हम लोग को पता है वाई इक्वल टू सी प्लस एस, और हम लोग को पता है वाई इक्वल टू सी प्लस एस, तब से यही पढ़ रहे हैं हम लोग पूरे फंक्शन में, तो
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई वी गेट, अगर हम लोग दोनों साइड को वाई से डिवाइड कर दें, मतलब इसको भी और इसको भी, तो ये क्या बन जाएगा, वाई बाई वाई वन सी बाई वाई क्या बन जाएगा एपीसी, और एस बाई वाई क्या बन जाएगा एपीएस, फॉर्मूला यही है। तो ये बोल रहा है बिकॉज इनकम इज आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग, इनकम या तो हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या फिर सेविंग के लिए, तो अगर 3 मार्क्स का आता है तो सिंपली यही कर दिखाना है और कुछ भी नहीं। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, तो सेम बात है एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1, सेम बात है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ठीक है। ये आंसर हम पूरा लिखवाए नहीं है पर हम ये समझा देते हैं, ये वाले का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है डेल सी बाई डेल वाई प्लस, इसका फॉर्मूला क्या है अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला जो रिलेशनशिप है ये हम थोड़ा बाद में समझाते, इसमें मेरे को एक क्वेश्चन था इसलिए हम वो लिखवाए नहीं है, ये हम बाद में लिखवाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, इतने देर से हम लोग सुन रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन पर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या है। देखो कंजम्पशन फंक्शन में हम लोग किस कंजम्पशन का बात कर रहे थे, हम बहुत क्लियरली बोले थे वहां पे बहुत क्लियरली कि C इज इक्वल टू F प्लस F इक्वल मतलब एफ वाई, वाई के ऊपर ये C डिपेंड करता है, ये कौन सा कंजम्पशन था इंड्यूस्ड कंजम्पशन था, जो हम लोग का इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो हम क्या बोले थे व्हेन इनकम इंक्रीजेस इंड्यूस्ड कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, ऐसे इंड्यूस्ड लिखते नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन का मतलब इंड्यूस्ड ही होता है, वो फिक्स्ड वाला बोलना होता है तो उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं, इसको इंड्यूस्ड नहीं बोलते। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, ये हम लोग कहां पढ़े थे कंजम्पशन फंक्शन में। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं ऐसे इस सी के बारे में, लीनियर का वर्ड का मतलब ही होता है स्ट्रेट, मतलब फिक्स्ड, ये लीनियर का मतलब ही है, हर जगह स्ट्रेट लाइन नहीं चलता है, कहीं कहीं फिक्स्ड होता है। तो इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन ऑन द अजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज कॉल्ड लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। कॉन्स्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पहले जितना था आज भी उतना ही है, जैसे पहले मेरा 100 था तो मेरा कंजम्पशन था 40, अब मेरा 150 से बढ़ा और हम एंटायर एडिशनल इनकम को अगर खर्च कर दें तो ये मेरा 90 हो गया था, तो ये मेरा क्या हुआ 50/50 तो ये 1 आया था। अब अगर हम फिर से वही करें मेरा 200 आया मतलब मेरा इनकम 200 हो गया, फिर हम अपना एंटायर कंजम्पशन को जितना मेरा एंटायर इनकम आया उसको हम फिर से पूरा खर्च कर दिए तो ये 130, तो फिर मेरा कैसा आएगा 50/50 इक्वल टू 1। तो हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कांस्टेंट रखे हैं, पहले मेरा 1 था अभी भी मेरा 1 ही है, इनकम जितना भी बढ़ जाए कंजम्पशन वैसे ही बढ़ता है जिससे मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अगर मेरा कोई बोलता है कि मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरा कांस्टेंट है तो इसका मतलब है हम कोई भी एंटायर एडिशनल इनकम को सेव नहीं करते हैं, हम हमेशा अपना एंटायर एडिशनल इनकम को खर्च कर देते हैं, मतलब यहाँ पे मेरा एडिशनल इनकम बढ़ रहा है तो हम सेविंग नहीं करते हैं, हम हमेशा अगर मेरा इनकम बढ़ता है 50 से तो हम 50 से अपना खर्चा भी बढ़ा देते हैं। तो ये लीनियर है, मतलब अगर हम मान ले अजम्पशन लिखा है इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन ऑन द अजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
अगर मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहता है एक कंजम्पशन फंक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो अगर कोई भी बोले ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो हम सिंपल वन वर्ड में आंसर देंगे, जहां मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कॉन्स्टेंट रहता है। अगर उसको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम एडिशनली जितना भी कमाते हैं वो उसी टाइम खर्च भी कर देते हैं, अपना सेविंग को बढ़ाते नहीं है। पहले मेरा इस केस में मेरा सेविंग कितना था, 60। अभी भी मेरा सेविंग कितना है, 60। अभी भी मेरा ये हम थोड़ा रॉन्ग किए हैं शायद, ये शायद 140 हो जाएगा। हाँ 140 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 60। तो जहां मेरा सेविंग कांस्टेंट है, पर ये लाइन नहीं लिखा जाता है सेविंग कांस्टेंट है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन बोल रहा है तो सेविंग का डिस्कशन नहीं कर सकते, बट हम तुम लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा सेविंग नहीं बढ़ता, इनकम बढ़ता है, तो क्योंकि हम अपना पूरा एंटायर एडिशनल इनकम को खर्च कर देते हैं। कंजम्पशन फंक्शन पूछ रहा है तो सेविंग का डिस्कशन नहीं करना है। बी किसको डिनोट करता है, बी डिनोट करता है एमपीसी को। याद रहे एमपीसी को वी कॉल स्मॉल बी, कैपिटल बी, जो बोलना है बोलो, बट बी इज डिनोटेड बाई एमपीसी। तो कभी भी कहीं पर भी बी लिखा हुआ मिला है मतलब वो एमपीसी है। तो क्या बनाइए, मेरा कंजम्पशन कितना है, मेरा टोटल कंजम्पशन कितना आएगा, जो हम बेसिक करते हैं वो तो आएगा ही, प्लस जो मेरा फिक्स्ड है वो और वाई। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, पर वाई मेरा बी है, मतलब मेरा कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। चेंज तो है पर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बी मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट। क्योंकि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में मेरा एमपीसी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक कंजम्पशन है जो हम करेंगे, और मेरा इनकम, तो वहां पे इन सबका मतलब लिखा है, सी मतलब कंजम्पशन, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी मतलब एमपीसी, वाई मतलब लेवल ऑफ इनकम।